लेकिन यार दोस्तों कैसे हैं आप? मैं करता हूँ, सब ठीक होंगे और ख्याल से होंगे। लेना हमने आज इनको खोलने और इनको दाना पानी डालना था, तो उनका सबसे पहले करते हैं। ये सारी ना चीज़ें साइड पर काट देते हैं और ये सारा सारी चीज़ें पहले पीछे कर लेते हैं। देखते हैं, एक और कोबरा आ गया, इसको फिलहाल इधर ही गिरा देते हैं। अब ये चीज़ें ऊपर को उठाते हैं। ये सारा कुछ पीछे कर दिया और अब मैं इनको दाना डालता हूँ। दाना इनका ये पड़ा हुआ है, पकड़ के इनको डाल देते हैं। और ये ताला मैंने खोल रखा है ना, जो मैं अंदर से वो निकालते हैं। ओए ओए हो, ये क्या हो गया है? ये कौन सी तोती मरी है? ओ ये कौन सी तोती यार, मारी मर गई है। ये कौन सा काम है? ओ हो, समझ गया यार। ये जो हमारा जो अलहदा से एक प्लेयर होता था ना, जो हम बाद में नया निकल गए थे, उसकी तोती मेरे ख्याल से मर गई है ये। ओ यार दोस्तों, इससे तो बदबू आना शुरू हो चुकी है। इसको मैं दफना के आता हूँ, पता नहीं कब की, मेरे ख्याल से कल रात की ही मर चुकी हुई है वो। मैं अब देख रहा हूँ, दफना के आते हैं यार। ओहो, इसको मेरे ख्याल से अंडे भी दिए हुए थे, उसके अंडे बच्चों का पता ही क्या होगा होगा। इसको दफना के आता हूँ मैं। हाँ मैं दफना के आ गया हूँ, और अभी देखते हैं उसके अंडों का क्या हुआ है यार। देखे यार दोस्तों, इसका मेल तो वो बैठा हुआ है मेरे ख्याल से अंडों पे। ओहो यार, वो तो बेचारी यार, ये कितने जालिम होते हैं ये लोग, कितने जालिम होते हैं। उसका जख्म किए हुए थे यार दोस्तों, उसको मारा हुआ था ये। अगर यार दोस्तों आपने नोट किया होगा, अगर नहीं ना किया तो दोबारा वाइन करके देखें वीडियो, हमने नोट किया होगा कि उसके ना नीचे चूंछ के नीचे इतना बड़ा जख्म था। तो मुझे तो लगता है इन्होंने आपस में लड़े होंगे और उसको मार दिया होगा यार। ये तो कुछ इस तरह से लगता है, क्योंकि यार ये बहुत जालिम होते हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं। ये अपने अंडे तो ज़्यादा करते ही करते हैं, दूसरों के भी काट देते हैं, दूसरों को मार ही देते हैं, इतने जालिम होते हैं यार। हो अब मैं क्या बताऊँ, वो पता नहीं किसका सीन मुर्गा बाहर आया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखें, वो पता नहीं किसका सीन मुर्गा यहाँ बाहर फिर रहा है, तो इस समय बाहर आया हुआ है। ये पकड़ते हैं इनकी दौड़ी और इसमें ना ये दाना मैंने इसमें डाल के अब इनको डालते हैं। तो वो देखें, खाना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। काश वो भी आपस में ये ना लड़े ना, तो ये काफ़ी अच्छे परिंदे और प्यारे इनकी आवाज़ होती है, और कलर भी बहुत प्यारा होता है अगर ये आपस में ना लड़े हैं, क्योंकि एक बुरी आती है, ये आपस में लड़ते बहुत है यार। दोस्तों आज मुझे जो सिर्फ वाइब्स आ रही हैं, मुझे लगता है इन दोनों ने अंडा दे दिया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर मैंने नेस्टिंग मटेरियल रखा था, वो सारा भी अंदर चला गया हुआ है, और मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने अंडा दे दिया हुआ है। वैसे पिछली दफ़ा भी मैंने इस तरह ही कहा था, तो कंफर्म नहीं हुआ था, मतलब नहीं दिए हुए थे इन्होंने। तो हम तो कल या परसों चेक करेंगे कि इनका निकला हुआ अंडे के नहीं, कल परसों हम चेक करते हैं। मैं ना मैं इन मुर्गियों के लिए ना ये हलवा बना रहा हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए ना ये मैं उनके लिए हलवा बना रहा हूँ, और ये गर्म भी होता है, इसलिए उनको ये डालेंगे हम, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए। ये सारा कुछ ना उनको सर्दियों से बचाने के लिए और उनको ताकत देने के लिए ये बनाया है। तो इसमें मैंने बहुत सी ज़्यादा चीज़ें शामिल की हैं, और ये काफ़ी अच्छा हो रहेगा। पहले उनको डाल के देंगे और वो बहुत खुश होकर खाएँगे। और ये देखें, मैंने ना इसमें ये लाचियाँ भी डाली हुई हैं, अभी हम अपनी मुर्गियों को डालेंगे। चलते हैं सच मुर्गियों का सही साइड इस तरफ चल चलते हैं। ओ मुझे याद आया, मैंने तो अभी तोतों को पानी भी डालना है, एक को डाला बाकियों को नहीं डाला, उनको पानी डालते हैं। ये फिलहाल अब इधर रख देते हैं, उनको पानी डालते हैं, और इनको मैंने वापस ऊपर से कवर कर दिया है, और अब चलते हैं अंदर। ये पकड़ के अंदर चलते हैं। और यार ये देखें, हमेशा की जब मैंने इतवार वाले दिन किया था, उस तरह हमने इसको अंडे को ना अच्छी तरह मैश कर दिया, लेकिन इसमें हमने अब और चीज़ें ऐड करनी है। ये थोड़ा सा हमने वही ताकत वाली चीज़ इसके अंदर गिरा दी, अब इसको मिक्स करते हैं।
अब इनको खोलते हैं यार, तो ये ताकत वाली चीजें इनको डाल लेंगे। ये इस तरह से अच्छी तरह कवर अप काट देते हैं साइड से, और अब इनको खोल लेते हैं। एक तो यार ये डरते बहुत हैं बाहर आने से, इनको खुद मैं पकड़ के बाहर निकालता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये देखते हैं खुद आएगी कि नहीं। अभी इनको डालते हैं, और ये देखें इनको मैंने डाल दिया, और अब इनकी बारी है बंद होने की, तो इनको इसके केस के नीचे बंद कर देते हैं। ओराबरा का डागरा गिल्ली गुल्ली। और अब इस बड़े मुर्गे को खोलते हैं हम, इसको इधर रख देते हैं। अब ये आएगा बाहर हमारा शेर। ये जब भी बाहर आता है इनके इर्द गिर्द ही घूमना शुरू हो जाता है। देखे देखे देखा, 7 चक्कर पूरे करेगा। नहीं नहीं नहीं, वापस कार है। देखा वापस हो रहा था। नहीं नहीं, अभी जहन बना है कि नहीं नहीं पूरे करने हैं भाई। 2 हो गए हैं, तीसरा इन्होंने लाइट जाना है मुझे जहाँ तक लगता ना, ये लाइट पड़ेंगे लार पढ़ना है। यार आप एक दफा माशाल्लाह से साइज चेक करें इसका, इतना सा इसका साइज चेक करें आप। ये किससे लड़ना चाह रहा है यार, ये देखें आप। ओए यार इतनी जोर से मारा इसने, सर्दियों में इतना बुरा इसने चूंगा मारा है ना, हाथ दर्द होना शुरू हो गया। और वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, यार वो गया है ना, तो अब ये इसको तंग, अब बाकी सारों को तंग करना शुरू हो गया है। व्हाइट वाला होता था ना, इसको आवाज नहीं निकल गई थी इसकी तो, लेकिन वो गया, तो अब ये यहाँ का किंग बन गया है। इसका भी कुछ करना पड़ेगा यार भाई, जल्दी करना पड़ेगा। और यार आपको एक खबर देनी थी, ये मारा ना वो देखे, वो एक बीमार हो चुका हुआ है, ये देखे कूतन मारा बीमार हुआ है, इसके लिए अपने दुआ करने हैं कि ये ठीक हो जाए। और बाकी तो अपने माशाल्लाह से सारे कुछ सही है, फिट है। इनको छोड़ते हैं यहाँ रख के, नीचे से ही ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 1 2 3 गो जाओ। इसके ऊपर मैंने कुछ दाना डाला है, इसके ऊपर मैंने कुछ दाना डाला है, अब इसको मिक्स करते हैं ये पकड़ के। चलो यार ये कितनी अच्छी चीज़ बन गई है इनके लिए, आज तो इनकी दावत ही हो गई। यार ये देखें इन सबको मैंने इनकी जगह पर डाल दी है, तो देखें उनको भी इसको भी। बड़े मुर्गे को नहीं डाला क्योंकि यार उसका पेट मुझे ख़राब लग रहा था, तो उसको मैंने अभी नहीं डाला, उसको थोड़ी सी भूख नहीं है। और बस अब गुनाफ उसको थोड़ा सा डालेंगे, बाकी सारा कबूतरों का हो गया है, सबको हो गया, थोड़ा सा पानी इनको डाल देंगे। हमारा कबूतर बीमार है ना, अब मैं इसको ये देने लगा हूँ, तो आपने कमेंट में बताना है कि ये सही रहेगा कि नहीं ग्रूफोन देना, और क्या दिया जाए उसको। वो देखें वो पीछे बैठा हुआ है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी इस वक्त, बीमारी में बिल्कुल बुखार में बैठा हुआ है वो, तो अब उसको ये देते हैं हम। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, मिला के मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हो यार दोस्तों अपने दुआ करने का, हमारा कोई और नुकसान ना हो। और ये तोते यार अपने से बहुत लड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी तोती मर गई, और अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो जो क्या नाम लेते हैं उसका, तोता
उसके अंडों को इंकुबेट करेगा कि नहीं, या उसके बच्चों को खाना फीड कराएगा कि नहीं। बस यार अब क्या कर सकते हैं, बस नहीं मुझे दे दी इजाज़त तो, और मेरे लिए दुआ कर देना, मेरे सेटअप के लिए दुआ करना चाहता। आप सबको मेरी जुमान में रखिए, अल्लाह हाफिज़।